हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक रहेगा आपका चैप्टर नंबर 9 से लेकर 12 तक के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का क्लास। तो क्लास क्या होता है, हेमाराम जी बताएंगे। क्लास एक यूजर डिफाइन डेटा टाइप है जो फंक्शन और डेटा को बंद रखता है, और ये डेटा हाइडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो एक क्लास का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है कुलदीप, तो कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं? हेडर फाइल से। हेडर फाइल कौन सी होती है? नहीं, iostrip.h है ना। तो मतलब क्लास एक C++ का पार्ट है, सी का नहीं है ना। तो हेडर फाइल होगी हैश इंक्लूड iostream डॉट डॉट एच है ना। सेकंड फाइल, सेकंड हैश इंक्लूड corneo.h corneo.h यूजिंग, अच्छा यूजिंग नेम स्पेस वो भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेम एसटीडी स्पेस STD, ये मेन फंक्शन। ठीक है, मेन ऊपर आता है, यहाँ पे मेन ऊपर नहीं आता, फिर ऊपर क्या आता है? ऊपर प्राइवेट क्लास आती है ना। हाँ, क्लास का नाम, क्लास और क्लास का नाम। मान लो हमने क्लास का नाम रख दिया है कुलदीप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, भाई डेफिनेशन बोला था खेमा नाम ने, प्राइवेट और पब्लिक होता है सर इसके अंदर तो, है ना। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बोला था उसने। तो प्राइवेट के अंदर डेटा मेंबर, तो जैसे मान लो बी एच और एरिया डेटा मेंबर हो गए। और फंक्शन किसने बनाते हैं, पब्लिक में इंटीजर, मान लो ए आर नाम ले लिया ए। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कम से कम सही रखना। और देखो ब्रैकेट ब्रैकेट तब ध्यान से देखो, दो चालू हो रहे हैं, दो बंद हो रहे हैं, है ना, नीचे सेमी कॉलन से बंद हो रहा है। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब इसके अंदर क्या आएगा पब्लिक के अंदर? ये तो सर मैसेज डालो पहले तो, सी आउट, सी आउट, आगे इनविटेड इनविटेड कॉमा, एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द वैल्यू ऑफ बी एंड एच, है ना। हाँ, इसके बाद सीन, सीन करेंगे किसको? हाँ, बी और एच को, बी और एच को। ठीक है, उसके बाद एरिया बराबर, एरिया बराबर बी इंटू एच अपॉन टू, बी इंटू एच अपॉन टू। ठीक है, फिर नीचे, फिर प्रिंट, नहीं सी आउट, सी आउट, सी आउट एरिया, एरिया को प्रिंट कर देंगे ना। चाहे तो मैसेज के साथ भी कर सकते हो कि एरिया इज डबल कोट लगा के एरिया, है ना, एरिया का स्मॉल रेग रखना, बन गया। चलो खेमा राम जी, मेन के अंदर क्या आता है? मेन तो पूरा सही बोल दिया, कुलदीप को 2 रुपया दे देना सब लोग, 2-2 रुपये करेगा। हाँ, मेन के अंदर बोलो क्या आएगा? क्लास का नेम। हाँ, और फंक्शन का नेम? नहीं, मालूम नहीं है सर, मालूम नहीं है। हिमांशु बोलो सर। कुलदीप डॉट एरिया, कुलदीप डॉट एरिया, एआर, सॉरी, क्लास के फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, तो पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे ओबीजे, है ना, फिर ओबीजे डॉट एआर। हाँ, ओबीजे डॉट एआर, एआर, ठीक है, सेमी कॉलन, बन गया प्रोग्राम, सही होगा। ठीक है सर।
रन करें? यस सर, यस सर। भगवान का नाम ले लो, देखो चलता है कि नहीं। अंकुर सर की जय हो। बहुत अच्छे, लो एरर आ गया, अंकुर सर की जय हो गई। एरर एरर बताओ क्या है। देखो तो नीचे ऐसे कुछ एरर आया ना, आयुष टीम डॉट एच नो सच फाइल और डायरेक्टरी। समझ जाना कि यहाँ पे डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। देवसी प्लस प्लस एडिटर नहीं लेता इन चीज़ों को। सेव कर देना ओके, और फिर वापस F11 दबा देना, वो चल जाना चाहिए। इस बार कुलदीप महाराज की जय। ठीक है, F11 ने मैंने दबा दिया है, देखो कब तक खुलता है ये। हाँ तो भैया रसीद ने हैंग हो रहा था, लग रहा था आज कुछ गड़बड़ है, सुबह से मैंने बंद नहीं किया। ठीक है, एंटर बी और एच मांग रहा है, तो बी की वैल्यू मान लो कितनी लेते हैं, 20, और एच की वैल्यू ले ली 5। कितना आंसर आएगा? 100, 100, 50, 50, 50 आ गया, एरिया इज 50। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हो गया, एग्जाम में आता है सीधे सीधे पूछेगा 4 नंबर में। राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग क्लास, है ना। तो क्लास की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार के लिए हमने बेस और हाइट ले लिया ऊंचाई के लिए, है ना। तो चाहो तो बेस हाइट पूरा भी लिख सकते हो। ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है 4 नंबर का, अगर सही से बनाओगे तो। सर नीचे सेमी कॉलन नहीं आएगा क्या? किसके नीचे? सबसे नीचे प्रोग्राम में, सबसे नीचे यहाँ पे। हाँ यहाँ नहीं आता ना, बस यहाँ पे आता है। ठीक है ना, क्लास जहाँ खत्म होती है वहाँ पर आता है। ये क्या है, अगला है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, मानसू याद है कुछ? सर पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो बताओ, इसकी वो 5 विशेषताएं थी, भूल गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शादा शानदार, कुछ पढ़ के बैठा करो तुम लोग, तुम लोग तो ऐसे हवा में घूम के आते हो। थोड़ा टॉपिक बता दिया करो सर। अरे हाँ, आडू में क्या पढ़ा? पूरी किताब पढ़ाई हुई है, ऐसे बात करते हो। बोलो कुलदीप, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सर इसके कुछ रूल याद है। हाँ रूल ही बता दो। इसको तो पब्लिक पार्क पे घोषित करता है। हाँ और पब्लिक, सबसे मेन चीज बताओ। याद नहीं है सर। कैमरा में याद है? थोड़ा थोड़ा सर। हाँ थोड़ा थोड़ा ही बताना है। इसमें ना कंस्ट्रक्टर और फंक्शन का नाम समा होता है। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन का नाम? हाँ शायद शायद। और दूसरा ने इसे जीरो से फंक्शन के नाम से होता है सर। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन नहीं, क्लास और फंक्शन बोलते हैं। क्लास का नाम? हाँ सर वही वही। कैसे कैसे वही कैसे वही वही कैसे? देखो क्लास का नाम ये और फंक्शन का नाम ये है ना, दोनों सेम होता है। पहली चीज। और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता ना, इंटीजर नहीं लगाते। फिर और तीसरा, और इसे जीरो से इनिशियलाइज नहीं, नहीं वो नहीं है। अगला बताओ, ऑब्जेक्ट बनाते ही इनिशियलाइज हो जाता है, है ना। ऑब्जेक्ट बनाते ही इनिशियलाइज हो जाता है, और उसने चौथा बोल ही दिया है, पब्लिक होते हैं हमेशा, और इन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता, है ना। पांचों चीज हो गई, ये पांचों किताब में भी लिखा हुआ है। तो चलो एक एक करके अप्लाइड करते हैं। अब इसी प्रोग्राम को तुम कहाँ भाग रहे हो, इसी प्रोग्राम को उठाते हैं, ठीक है, पूरे को कॉपी पेस्ट और करते हैं कॉपी का पेस्ट। इसको कर देता हूँ कमेंट और इसको करता हूँ पेस्ट। अब मान लो इसी प्रोग्राम को कंस्ट्रक्टर बनाना है, कहाँ कहाँ चेंज करूँगा बताओ कुलदीप, तुम ही बताओ, तुम्हारी आवाज़ सही आ रही है। सॉरी कंस्ट्रक्टर नहीं आता मुझे। अरे तो अभी पांचों लक्षण बताए ना, अब उसमें जोड़ दें नाप बन जाएगा। जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। अरे तो बोला भी नहीं था। पी के बैठा हुआ है क्या, हद हो गई। बोलो रिटर्न। अच्छा खेमरा बता रहा है, चलो बताओ
पांचों भी बताया था ना, तो पहला क्या बताया था सर सबसे वो पहले? क्लास का वंश का नाम सेम होता सेम है होता है ना, तो सेम कर देते हैं इसको, रख देते हैं क्या, कुलदीप। सेकंड कुलदीप। चीज सेकंड चीज बैठे बैठे भूल रहे हो, कोई भी बोल दो तीनों में से, यार जिस यार जिसको भी याद आ जाए बोल दो। सर रिटर्न टाइप नहीं होता, इंटीजर हटाओ। सर इंटीजर हट गया, फिर और नीचे है ना वो ऑब्जेक्ट बनाते ही स्वतः इनिशियलाइज हो जाता है, तो उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, और कुछ? और नहीं, और कुछ नहीं? ठीक है, नहीं। कंप्लीट हो गया। F11 दबा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आंसर नहीं आ रहा कुछ, ब्लैंक। व्हाई दिस हैपन, वैल्यू देने पड़ेगी वैल्यू देनी शायद। पड़ेगी, वैल्यू मांगा ही नहीं। इसको पहले बंद कर देता हूँ एक बार, पुराना वाला है, इसको बंद कर दूँ। वापिस F11 दबाते हैं, भी कुछ नहीं आया। ओह माय गॉड, ऐसे क्यों हुआ? क्या लगता है ऐसे क्यों हुआ? कोई बड़ी आइडिया? सिस्टम सिस्टम खराब है। हाँ ये हो सकता है, ये पूरे चांसेस है इसके। तीसरी बार कर दिया, तीसरी इतना हैंग बार, क्यों हो रहा है, तीसरी बार भी नहीं आया। इतना हैंग क्यों हो रहा है सर, यार सुबह से मैंने बंद ही नहीं किया इसको। इतना काम मत किया करो। मैंने नई फाइल में सेव कर, और किस्मत वही की वही, कुछ ना कुछ तो एरर होगा ना। अब तुम लोग एरर बताओ। सर थोड़ा ऊपर करो ना। देखो ऊपर वाला पूरा कमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो ये तो छेड़खानी नहीं कर रहा, हाँ पीछे कमेंट है, अब मेन नहीं है। हाँ मुझे एरर दिख गई, एक मिनट। टाइपो हुआ है, टाइपो। सर ऊपर, सर ये भी प्राइवेट सब भी तो इंटीजर हटाना पड़ेगा ना। नहीं यहाँ से नहीं हटाते, और ध्यान से देखो, मुझे गलती दिख गई है। देखो ये भी रन टाइम एरर ही है, देखो गलती दिखा नहीं रहा है पर गलती है। कुलदीप गलत है, तू क्या हुआ? गलत है, तू गलत है, बस बोल दिया ना मैंने गलत है। सर नाम डी मिस्टेक है, सर नाम नाम KULEP है, वो KULDEP होगा। मिसिंग है हाँ ना, ठीक है करते हैं। अब पूछेगा बी और एच की वैल्यू डाल देना, और आंसर तुम लोग का आ जाएगा, ठीक है। 5 6 30, 30/2 15, ठीक है, यस सर, हो गया। ये तो हो गया यस सर। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के टाइप भी थे कुछ, के मैंने आपको पता है। तीन हाँ कॉपी कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड है ना, तो पैरामीटराइज्ड की बात करते हैं सबसे पहले। तो कैसे करेंगे पैरामीटराइज, इसको पैरामीटराइज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? पैरामीटर लास्ट में ऑब्जेक्ट डॉट देखे में वो मान डाल देंगे। डॉट क्लिक के नहीं, बस नीचे एक और नीचे एंटर मार के ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू दूं। सर ये बी और एच मेरे हिसाब से ऊपर नहीं आएगा, एक नीचे एक्स वाई कुछ और लिखना पड़ेगा। देखो जब पैरामीटर भेजना हो ना तो इसके साथ ही भेज हाँ दो, मतलब ये हाँ भेज सर दो वो भी है हो। ना, 5 और 6, हाँ तो 5 और 6 किसके पास जाएगा? कुछ नाम बी लिखते और हैं एच अभी, बी कॉमा एच। ये तो यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है बी और एच को,
फेंक दो यहाँ से, सब सही है बाकी, हो गया पैरामीटराइज। नहीं सर ये हटाओ ना बी और एच कहाँ यहाँ से से, क्यों फिर है ना अपन यहाँ से जरूरत नहीं होगी, भेज ही रहे हैं वैल्यू तो आ रही है तीन नीचे से, है तीन ना इसकी जरूरत नहीं है, और छोटा हो गया प्रोग्राम। बस ठीक है सर। मैसेज मैसेज तो क्या है, मैसेज क्या हटाया आपने? मैसेज कहाँ हटाया? वो मैसेज हाँ का मैसेज की फिर जरूरत भी नहीं है ना, मैसेज चाहो तो यहाँ पे अपन खुद रन टाइम तोड़ना है वो, अब हाँ सीधा आ रही है कंपाइल ना टाइम ही वैल्यू, है। वैल्यू वैल्यू देनी थोड़ी ना हाँ है, ठीक है सही है प्रोग्राम। इसको टू आर्गुमेंट बोल देंगे, पैरामीटराइज में टू आर्गुमेंट ही है, दो आर्गुमेंट भेज रहे हैं। अस्त इसको रन करके देखते हैं, 30/2 15 15 क्या? आ गया ठीक है, अगर ऐसे तीन आर्गुमेंट का बनाना होगा तो तीन पैरामीटर भेज तीन देंगे भेज और देंगे, आगे एक और खोल देंगे। है ना जैसे बी हाँ एच और कुछ मास्टर के और टी ले लेंगे या दोनों के मल्टी टाइप, हाँ ये कर लोगे, और एक आर्गुमेंट वाला भी कर लोगे, केवल पांच भेजोगे तो। देखो एक सर डिफॉल्ट, इसी के अंदर एक ही प्रोग्राम के अंदर अपन को तीनों यूज करने तो कैसे करेंगे? नहीं तीनों नहीं, मतलब नहीं है कोई लॉजिक नहीं तीनों एक साथ करने का, तीनों अलग अलग इसलिए बनाया हुआ है कि पूछेंगे अलग नहीं अलग एग्जाम करो। के अंदर एक साथ तीनों या नहीं एक साथ कभी दो? नहीं, कोई कभी कभी नहीं आएंगे। ठीक है अब देखो डिफॉल्ट सेकंड था, डिफॉल्ट जैसे मान लो यहाँ से तुम एक आर्गुमेंट भेज रहे हो और तुमने यहाँ पर इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है ना, केवल पाँच भेज रहे यस हो, पाँच चला गया बी के पास और एच की वैल्यू कितनी है? 6। छः तब भी आंसर कितना आएगा? 15। पंद्रह ठीक है ना, यस अब सर इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट मतलब जहाँ पहले से वैल्यू फिक्स कर दी हो पैरामीटर के अंदर ही, क्लियर है? हाँ यस सर चलो, और फिर क्या था कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंसेप्ट हाँ जो कि बताएंगे अब कुलदीप महाराज जी। हाँ तो ये भैया ये स्कूल वाले नाटक है इसका भी बाटी जी वाले सर। हाँ बोलो कॉपी एक कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर की वैल्यू कॉपी दूसरे पैरामीटर में जाती है। बहुत अच्छे सब याद है तेरे को। ठीक है मान लो डिस्प्ले नाम का बना दिया और यहाँ पे ना प्रिंट करते हुए कहाँ प्रिंट कर रहे हैं सीधे डिस्प्ले के अंदर, ठीक है समझ में आया कुछ? हाँ देखो उस उसमें प्रिंट नहीं किया, अलग से फंक्शन बना दिया डिस्प्ले नाम से। अब यहाँ पे जैसे पहला ऑब्जेक्ट बनाया है ना कुलदीप का, तो कुलदीप हाँ का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना देते हैं और बराबर ओबीजे, क्या कर रहा है ये जो ओबीजे है अपनी वैल्यू किसको दे रहा है? ओबीजे बीजे टू टू को को कॉपी कर रहा है ना, इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर बोल दिए। जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट उसी अच्छा उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी वैल्यू दे दे तो उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, ठीक है? तो अब अच्छा यहाँ पे जैसे ओबीजे डॉट डिस्प्ले नंबर फंक्शन बनाया ना, तो डिस्प्ले लिख दो, ठीक है? तो ऊपर वाले की वैल्यू आ जाएगी जो भी होगी और ऐसी कॉपी करके और नीचे वाले में भी डिस्प्ले कर दो, तो जो ऊपर वाले की वैल्यू आएगी वही क्या सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी आ जाएगी, तो दोनों की कितनी आनी चाहिए? 15 15, ठीक है? एरियाज 15, एरियाज 15, एक और आ गया एरियाज 15, तीन तीन आ रहे हैं, बधाई हो। तीन तीन बिगड़ा क्यों आ काम रहे हैं? बिगड़ा। तीन तीन क्यों आ रहे कोई बताएगा? सर अपन ने एक बार यहाँ पे भी तो सी आउट कर रखा है ना ऊपर प्रोग्राम के अंदर। दो ही तो है, दो ही तो है ना यार। हाँ दो है सर, एक डिस्प्ले में कर रहे हो और एक पब्लिक में कर रहे हो। हाँ तो दो ही तो होता ही है। दो तो फिर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर किस लिए किया? उसका भी तो तीसरा आएगा ना, उसका भी क्या तो आएगा तीसरा। आयो अच्छा मैं यहाँ से अगर इसको हटा दूँ या कमेंट बना दूँ फिर रन करूँ, इसको नहीं ऊपर वाले को हटाओ ना। वो तो वैल्यू भेज रहा है ना, दो बार हो गई। कंस्ट्रक्टर यही तो बोलता है ना कि ऑब्जेक्ट बनाते ही इनिशियलाइज हो जाए,
हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट बनाते ही 5 हुआ, 5 इसके पास गया, ठीक है, हाँ 30 हो गया, यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया, और हाँ डिस्प्ले के लिए वापस इसके पास जा रहा है ना, वापस मार। तो हाँ 30 सर वापस हो कर रहा। 30 प्रिंट हो गया, ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सर हाँ बोलो। मैं कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली यूज होता कहाँ है? कंस्ट्रक्टर का एग्जैक्टली यूज होता कहाँ है? कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, ऐसे कोई पूछे ना एग्जाम में कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करना चाहिए, तो सिंपल सी डेफिनेशन है किताब में लिखी तुम्हारी ऐसी, जब ऑब्जेक्ट बनाते ही वैल्यू को इनिशियलाइज करना हो तो उस टाइम पर कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से प्रोग्राम छोटा करने वाली बात होगी। हाँ बोल सकते हो। नरेश पूछ रहा है क्लास, मैं कहूँगा भाई क्लास तो खत्म। हाँ ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, और अगला है तुम्हारा, तीनों हो गया ना कंस्ट्रक्टर के, डिफॉल्ट पैरामीटराइज और कॉपी। हाँ चलो एक कंस्ट्रक्टर एक और तीनों था, ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है ना, तो फंक्शन ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक साथ कर लेते हैं। ऐसे चलो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है ये बताएगा? सर एक ही फंक्शन को अलग अलग कंस्ट्रक्ट पैरामीटर पर यूज करना। हाँ कुलदीप बोलो। नहीं सर, फंक्शन का नाम समान लेकिन आर्गुमेंट अलग हाँ फंक्शन का नाम समान है और आर्गुमेंट जिसके अलग अलग होते हैं, और एक ही फंक्शन से एक से अधिक कार्य करवाने की क्षमता है ना, सेम मतलब है। तो हैश इंक्लूड फाइल का नाम, स्ट्रीम आयुष आयुष यूजिंग नेम स्पेस, स्पीड देखो स्पीड। चलो अब आगे तुम बताओ, इतना मुझे आता था, आगे बताओ कैसे बनाएंगे? सर क्लास का है इसमें? अच्छा नहीं फंक्शन ओवरलोड में, सॉरी क्या फंक्शन का नाम नाम रखूं? एबीसी 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 कौन बनेगा करोड़पति? वो केबीसी होता है, एबीसी नहीं। अच्छा एबीसी बोल हाँ रहे हैं, ऐड रख देता हूँ ना, कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे। फिर अच्छा, ये अंदर कुछ भी आप वैल्यू दे दे, लो 2 4 हाँ फिर ये आप मतलब एक और फंक्शन मतलब। इसके नीचे हाँ इसी नाम से, सेमी कॉलन लगा इसी नाम शायद। से हाँ किसी और नाम से, नहीं, सेम नाम से। सेम नाम से ठीक है। फिर फिर आपको एक और फंक्शन बनाया तो बना लो, फिर नेक्स्ट आगे लेंगे। इसके सर नीचे 10 मिनट में खत्म होने वाली मीटिंग। खत्म कर देंगे 10 मिनट में सब कोई। तो जो फंक्शन बनाया है उसका आर्गुमेंट ले लेते हैं ना बी, और इसका मान लो क्या ले लिया हमने, एच ए है ना, एच और यहाँ पे क्या मैसेज डाल देते हैं सी आउट में, एरिया इज क्या बी इंटू एच। बी इंटू एच है ना, बी इंटू एच। और चूंकि हम बोलते हैं कि फंक्शन का नाम समान समान तो है एडेड, पर आर्गुमेंट अलग अलग होने चाहिए, और तो हम आर्गुमेंट अलग अलग करते हैं चूंकि दोनों इंटीजर ही है, तो हम यहाँ पे तीसरा एक साथ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दो आर्गुमेंट वाले के लिए, कॉपी करो नीचे पेस्ट करो, और इस बार क्या कर दो ए बी सी, या बी तो लिया हुआ है ना ऊपर, एल बी एच एल इंटू सर बी, ए बी सी सी ले लो। अब ले लिया तो एल बी और मान लो टी है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एल इंटू बी इंटू टी, क्या फर्क पड़ता है? हो गया पता यस सर। हाँ हो गया। अभी एरर आएगा एक, एक चलो एरर पढ़ना फिर बताना, ठीक है। हाँ क्या एरर लिखा है? एड वाज नॉट डिक्लेयर, हाँ क्या मतलब था इसका? एड को डिक्लेयर करो पहले, प्राइवेट हाँ वही तो कहा, वो पब्लिक किस प्राइवेट में करोगे? पब्लिक प्राइवेट मैं के ऊपर मेन के ऊपर, तो इसको कॉपी करो और मेन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं सेमी कॉलन के साथ,
और जरूरी नहीं है बी एच लिखो, इंटीजर यूज करो तो इंटीजर इंटीजर, और यहाँ पे तीन इंटीजर यूज कर रहे हो तो तीन इंटीजर। हो सकता है एरर आया, मैंने बहुत स्पेस दे रखा है। चलो रन करके देखते हैं। तो संभावना है ठीक है, तो पहले का 8 आ गया, दूसरे का 210 आ गया। कैसे मत पूछना क्योंकि तुम लोग को पता ही है, होशियार हो। 2 चौक 8, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210 है ना। मैथ्स देखो, मैथ्स बड़ा मैथ्स बोलते हैं तुम लोग, क्या जाना हो पागल लोग। हो गया ना कंप्लीट? यस सर। अगला अगला है आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लास से बनता है ये, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। और लास्ट ये है, बनेगा क्लास से। तो बता दो किसी को आता है तो, वरना मैं तो हूँ ही। आप भी हो सर? हाँ मैं हूँ ना, आगे तुम लोग बताओ। डूबते कुत्तर का सहारा। तो यहाँ पे क्लास से बनेगा, लॉजिक तो वही है इसका, पीछे भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, कि नाम सेम होना चाहिए और आर्गुमेंट अलग अलग होने चाहिए। और चूंकि कंस्ट्रक्टर भी है तो इसमें क्लास और फंक्शन का नाम भी समान होगा, सीधा सा लॉजिक है इसका। तो क्लास जैसे बना लिया हमने ABC है ना, और इसके अंदर क्या होता है यहाँ पर प्राइवेट। ओ हीरो कौन ही है? प्राइवेट इंटीजर। अब देखते हैं प्राइवेट में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो पब्लिक लेते हैं सीधे, और इंटीजर ऐड है ना, ऐड ले लिया। और ऐसे सेम टू सेम, समझ में आ रहा है कुछ तुम लोग को? अरे सर सर, फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए ना। हाँ ये भी है, और ये इंटीजर भी नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एबीसी। एबीसी सेम कॉपी कर लेते हैं, कर सकते हैं। बोलो बोलो बोलोगे? अरे हाँ कर लो ना सर। यस सर। यस सर बोलते तो समझ में आता ना तुम लोग को, आ रहा है ऐसे क्या है ना, मुझे लगता है मैं ही समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने दे दिया इंटीजर बी कॉमा, ये लो एक ही आर्गुमेंट देते हैं इंटीजर बी ना, और यहाँ पे दो आर्गुमेंट देते हैं इंटीजर ए कॉमा इंटीजर सी। ठीक है, यहाँ पे किसको प्रिंट कर देते हैं? सी आउट बी इंटू बी ए है ना, और यहाँ पे किसको प्रिंट कर देते हैं? ए इंटू सी। ए इंटू सी बन गया, प्राइवेट की जरूरत ही नहीं है। और चाहो तो इसको लंबा कर सकते हो, तुम लोग की मर्जी है, मैं तो बहुत शॉर्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है बना दिया इसको। अब इसके बाद क्या इसके बाद क्या होता है? मेन फंक्शन मेन है ना, मेन में क्या होता है? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट में एक ही आर्गुमेंट है तो एक आर्गुमेंट भेज दो, और दूसरा ऑब्जेक्ट में दो आर्गुमेंट है तो दो आर्गुमेंट भेज दो। ठीक है सेमी कोलन लगा दो जहाँ जहाँ मिसिंग हो। अगर तीन आर्गुमेंट भेजे तो सर नीचे तीन लिख दे तो गलती से क्या होगा नीचे यहाँ पर? हाँ दिखाता हूँ अभी, तेरे में जो कीड़े काट रहे हैं ना अभी, तो दिखाता हूँ क्या होता है। इसको देखो आ गया 258 सही है। कैसे सर 2 × 8 और 5 × 25 सही है सही है सही है सही है सही है 25 और 8। हाँ सर चाहो तो स्लैश एन दे देना, नीचे भाग जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि मान लो सर यहाँ पर मुझे कुछ करना है, मैं 10 दे दूंगा, देखो क्या होता है। देखो नीचे पढ़ना है नो मैचिंग फंक्शन टू कॉल, कि इसको जो आपने कॉल किया है उसके मिलता जुलता कोई फंक्शन है नहीं, तीन आर्गुमेंट वाला है ना, यहाँ पे एक यहाँ पे दो, तीन आर्गुमेंट वाला से कोई मिल नहीं रहा है, तो कह रहा है भैया मैं तो नहीं करूँगा कुछ, मेरा टाइम खत्म हो गया। ठीक है मीटिंग मीटिंग खत्म होने वाली है सर। हाँ वो भी यार टॉपिक खत्म हो गया आज के सारे, ठीक है 5-6 टॉपिक करवाने थे छोटे छोटे आज इतने। अरे बस यार लड़के हो तुम लोग, सब आता ही तुम लोग। सर ये
सर ये क्या लिखो है, एक मिनट बताऊंगा सर, 2 मिनट है सर। हाँ कोई ये नहीं, क्या लिखो है, कहाँ ये पर वाला क्या है, ये एक्टिवेट सबसे नीचे विंडोज, देखो। हाँ विंडोज की की मांग रहे हैं, है तेरे पास तो दे दे। ये मैं डकली ले है, सकता, ये डकली है, पायरेटेड है, पायरेटेड। चलो अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। सर ओके स्क्रीन से स्क्रीन बंद करो, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। सर,